महात्मा गांधी की जयंती के 150वें वर्ष पूर्ण होने पर गांधीवादी संगठनों के मार्गदर्शन में इंदौर से गांधी दर्शन पदयात्रा 19 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य गांधी 150वीं राज्य स्तरीय समिति मध्य प्रदेश शासन के चिन्मय मिश्र ने बताया कि इंदौर से भोपाल गांधी पदयात्रा का शुभारंभ 19 नवंबर को सुबह 8:30 बजे गांधी प्रतिमा पर पूर्व महाधिवक्ता श्री आनंद मोहन माथुर द्वारा किया जाएगा। पदयात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव के नेतृत्व में प्रस्थान करेगी। गांधी दर्शन यात्रा में गांधी जी के सिद्धांतों एवं भजनों को प्रदर्शित करता प्रथम वाहन गांधी संदेश वाहन रहेगा। साथ ही गांधी जी की प्रतिमा चरखी से सूत काटते प्रदर्शित की जाएगी। यात्रा में 100 से ज्यादा है पदयात्री जिन्हें समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। 19 नवंबर से दिनांक 27 नवंबर तक गांधी दर्शन पदयात्रा 9 दिन का सफर तय कर भोपाल पहुंचेगी। रास्ते में प्रत्येक रात्रि विश्राम स्थल पर गांधी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए नाटकों का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही गांधी जी के भजनों की प्रस्तुति के आयोजन लगातार होते रहेंगे। ये पूरे यात्रा का जो विषय है कि आज मध्य प्रदेश में जिस स्थिति में आज कांग्रेस की सरकार आई है और उसके बाद आज जगह जगह आपसी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़ाया जाता है, तो आज गांधी जी के सिद्धांत नई पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो ये नहीं समझ पाती है कि वो सिद्धांत आज कैसे लागू होंगे। इनको नए स्वरूप में जनता के समक्ष ले जाना है, युवाओं के समक्ष ले जाना है, अनेक युवाओं को हम इसमें जोड़ जो है वो दोबारा से सही दिशा दे सकते हैं। हम लोगों की ये भी कोशिश है कि इस यात्रा को हम यहाँ समाप्त नहीं करेंगे। 6 दिसंबर से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इंदौर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द को लेके सवेरे प्रभात फेरियां निकलें, हर वार्ड में निकलें, और इस वजह से यहाँ लोगों का आपसी मिलना जुलना मेल जोल चालू हो। और इसकी सारी जो तकनीकी व्यवस्था है वो राकेश जी देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो आगे। ये पूरी यात्रा गांधीवादी संगठनों के माध्यम से उनके सहयोग से इंदौर से भोपाल की पैदल यात्रा आयोजित की जाती है। इस पूरी यात्रा में 9 स्थानों पर हमने विश्राम स्थल रखे हैं। एक दिन में लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक 100 लोग मेरे साथ इंदौर से भोपाल के लिए जाएंगे। इसमें कांग्रेस के सारे लोगों का सहयोग रहेगा, गांधीवादियों का सहयोग रहेगा। यात्रा प्रभारी के रूप में ये दायित्व मुझे दिया गया है जिसको मुझे इंदौर से भोपाल तक निभाना है। 19 तारीख को सवेरे 8:30 बजे गांधी प्रतिमा से यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में गांधी रथ रहेगा, गांधी संदेश वाहन रहेगा, उसके पीछे एक गांधी जी की पूरी झांकी बनी हुई रहेगी जो एक बड़ा 10x20 इसका ट्राला है, उस पर गांधी जी की बड़ी प्रतिमा चरखा काटते हुए सूत काटते हुए और गांधी संदेश रहेंगे। इसके बाद 2 एलईडी वाहन रहेंगे, इसमें एक एलईडी वाहन पर गांधी जी के पुराने भाषण चलचित्र वो चलेंगे, एक एलईडी पर जो सरकार ने गांधी जी के सिद्धांतों को देखते हुए कार्य किए हैं उसका प्रदर्शन रहेगा। इस तरह से साथ में एक पूरी नाटक मंडली भी रहेगी जो गांधी जी के अलग अलग जिंदगी के पार्ट को वो 9 स्थानों पर प्रदर्शित करेगी, जिसमें उनका किस तरीके से देश के लिए सेवा की है, किस तरीके से उन्होंने पदयात्राएं की है, किस तरीके से जीवन संपर्क हो। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का युग है इसमें हमें जुड़ा तो है पर जुड़ने के साथ में हमारी आपसी बातचीत और उस सब में हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने, 1-to-1 एक दूसरे से हमारा परिचय हो, ये सोच करके इस यात्रा को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का सोचा है। और इस यात्रा का जो मुख्य लक्ष्य है वो है सांप्रदायिक सद्भाव। गांधी के जो 18 रचनात्मक कार्य थे उनमें जो सबसे पहला कार्य था उनका जो वो सांप्रदायिक सद्भाव था, उनका ये मानना था कि अगर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा तो ही ये देश बचा रह सकता है। आज जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं, देश की अखंडता अगर हमें चाहिए तो सांप्रदायिक सौहार्द का बना रहना बहुत जरूरी है और वो संविधान की रक्षा के साथ ही हम सब उसकी रक्षा कर सकते हैं देश की। ये सोच करके हमने किया कि अलग अलग जगह से यात्राएं इस वक्त निकल रही हैं। एक बड़ी यात्रा दिल्ली से निकली है 2 अक्टूबर को,
राजगोपाल पीवी जी के निर्देशन में वो करीब 10,000 किलोमीटर चल के जेनेवा तक जाएगी। अगले साल वो जेनेवा पहुंचेगी। हम सब लोग उस यात्रा में अपने अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे 19 तारीख की सवेरे 8:30 बजे गांधी प्रतिमा से। गांधी प्रतिमा में जो हमारे सुद्धा सग्राम सेनानी हैं, पूर्व महाधिवक्ता हैं, आदरणीय आनंद मोहन माथुर जी उस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहां से हम हिंदी साहित्य समिति में पहुंचेंगे। हिंदी साहित्य समिति में पहुंच करके वहां एक छोटी सभा करेंगे। क्योंकि पूरा शहर डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से रोगियों की सेवा से उनका सम्मान करके और उनको कैसे बेहतर और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, वहां उससे बात करके और उनको हम वहां लाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और कुष्ठ रोगियों के सहयोग से आगे हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो ये कुछ मोटा मामला है। और ये यात्रा 27 तारीख की शाम को 4 बजे भोपाल में संपन्न होगी। मुख्यमंत्री जी इसका समापन करेंगे और हम सबको उद्बोधन देंगे। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण, मतलब जो खास मकसद है, वो ये है कि पूरे रास्ते गांधी जी के जो जीवन चरित्र है, गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उसको लेकर के प्रचार प्रसार है। शाम को जहां हम लोग रुकेंगे वहां गांधी जी के जो उनके सर्वधर्म प्रार्थना जो है वो प्रार्थना करेंगे, उससे संबंधित कुछ नाटक हैं, फिल्मों के प्रदर्शन हैं, बातचीत करेंगे, कुछ लेक्चर सीरीज उसमें करेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको एक परिपूर्ण यात्रा के तरीके से करें। करीब 100 लोग उसमें हमारे साथ होंगे और उसमें कुछ महिलाओं को भी हम लोग शामिल करना चाहते हैं कि वो भी इस पूरी यात्रा है उसमें साथ रहें। ये यात्रा अपना करीब 9 दिन का पड़ाव करके पहुंचेगी और इस बीच जो है वो तरह तरह की जो और गतिविधियां हैं जो हमारे बीच में जुड़ती जाएंगी। भारत आया, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बड़वानी है, वहां तक पहुंचा। एशिया का पहला किसान वहीं विकसित हुआ। बाद में हम देखें तो शंकराचार्य की चारों बड़ी यात्राएं हैं। अभी हमने परसों गुरु नानक जी का 550वां जन्म दिवस मनाया है और उन्होंने भी लंबी लंबी यात्राएं की थी। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी हर रोज करीब 18 किलोमीटर चलते थे और उन्होंने जो अभी आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इतना पैदल चले हैं कि पूरी दुनिया का 2 बार उन्होंने भ्रमण किया है। उनके बाद विनोबा भावे भी पदयात्रा भूदान के माध्यम से उन्होंने करी। वो इंदौर भी आए थे, इंदौर में इन्होंने भूदान से आगे ग्रामदान का जो पूरा संकल्प है वो यहां से किया। 150 में गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष जो है, हमारे एक बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और भोपाल गैस कांड के लिए पिछले 35 साल से संघर्ष करने वाले श्री अब्दुल जब्बार का निधन हो गया है। हम उनको 1 मिनट की श्रद्धांजलि देने के बाद, उनका अप्रतिम योगदान रहा है, लाखों लोगों को उन्होंने मुआवजा दिलवाया है,